Hello students, in the last lecture we have discussed some of the functions of DBMS, which includes data dictionary management, data storage management, data transformation and presentation, and the most important, security management. Next we will discuss some more functions of the DBMS. First is multi-user access control. Multiple users से क्या समझते हैं आप? जैसा कि हम जानते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग द डेटा इन द डेटाबेस. तो जो मल्टीपल यूज़र्स हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ डाटा को एक्सेस करेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स होने चाहिए जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो हमारे डेटाबेस की इंटीग्रिटी है और डाटा की कंसिस्टेंसी है वो क्या है, डिग्रेड नहीं होगी मल्टीपल यूज़र्स के एक्सेस के बाद. तो जो डाटा इंटीग्रिटी और डाटा कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए जो DBMS है वो वेरियस मैकेनिज्म, वेरियस प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है, ताकि जो कंकरेंट एक्सेस जो हमारे मल्टीपल यूज़र्स डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कर रहे हैं वो क्या है, कंट्रोल हो जाए. ठीक है, और वो कंट्रोल हम किस लिए कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा. ठीक है, तो मल्टी यूज़र एक्सेस कंट्रोल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द DBMS. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो DBMS है वो क्या है, डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स प्रोटोकॉल्स यूज़ करेगा जिसकी हेल्प से वो मल्टीपल यूज़र्स के एक्सेस को इस तरह से इंश्योर करेगा कि जो हमारी डेटाबेस की इंटीग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो. ठीक है, नेक्स्ट इज़ बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा प्राइम रिसोर्स क्या है, डेटाबेस के अंदर जो डेटा पड़ा है वो है. तो क्योंकि हमारी एक सेंट्रल रिपोजिटरी हमने बना रखी है, तो सेंट्रल रिपोजिटरी के लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं. मींस अगर हमारी सेंट्रल रिपोजिटरी ही डिस्ट्रॉय होगी किसी भी रीज़न से, तो हमारा सारा का सारा जो वर्क है वो क्या है, ठप हो जाएगा. हमारा सारा का सारा जो हमारी जिस डोमेन में हम डेटाबेस बनाकर यूज़ कर रहे हैं वो सारा का सारा बिजनेस है जो वो ठप हो जाएगा. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो सेंट्रल रिपोजिटरी है उसका बैकअप रखना पड़ेगा. ठीक है, और इन केस अगर कोई फेलियर आता है, चाहे वो पावर फेलियर है या किसी भी तरह का डेटाबेस फेलियर है, या हमारा जो स्टोरेज एरिया है, डिस्क हैं, फिज़िकल स्टोरेज मीडियम्स हैं, वो क्या हैं, करप्ट हो गए किसी भी रीज़न से, तो उस केस में क्या है, हमारा डेटाबेस तब भी करप्ट हो सकता है. तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ रिकवरी मैकेनिज़म्स हैं जो वो यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हमारा जो सिस्टम है, ओवरऑल सिस्टम है, उसे रिकवर किया जा सके. ठीक है, फेलियर के बाद एक कंसिस्टेंट स्टेट में हमारे डेटाबेस को लाया जा सके. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिकवरी मैनेजमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है DBMS का. तो बैकअप के लिए हमारे पास क्या है, हम साइड बाय साइड आर्चीविंग कर सकते हैं हमारे डेटाबेस की, ताकि इन केस अगर हमारी सेंट्रल रिपोजिटरी है जो वो किसी भी तरह से करप्ट होती है, डिस्ट्रक्ट होती है, तो हम क्या करें, वो जो आर्चीव कॉपी है, वो हमारी बैकअप कॉपी है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकें, अपने डेटाबेस को फर्दर रिकवर कर सकें. ठीक है, तो रिकवरी मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरियस प्रोटोकॉल्स यूज़ करनी पड़ेंगी ताकि जो हमारा डेटाबेस है वो क्या है, आफ्टर द फेलियर रिकवर किया जा सके एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंट स्टेट में. ठीक है, तो ये जो कैपेबिलिटी हमारी DBMS प्रोवाइड करता है बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट की, ये भी क्या है, हमारी डेटाबेस की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है डाटा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट. अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इंटीग्रिटी से आप क्या समझते हैं, कि जो हमारा डेटाबेस के अंदर डेटा पड़ा है, स्टोर्ड है, वो क्या है, एक्यूरेट होना चाहिए.
इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी रिस्पेक्ट में। तो उस डेटाबेस में स्टोर्ड डाटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्स्ट्रेंट्स, इंटीग्रिटी रूल्स, वो कौन इंप्लीमेंट करवाता है, हमारा DBMS। तो डाटा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो हमारा जो डाटा डेटाबेस में स्टोर्ड है, उस डाटा में क्या रिलेशनशिप है, वो किसकी हेल्प से मेंटेन की जाती है, विद द हेल्प ऑफ डाटा इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, चेक कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ये कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे डेटाबेस की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है, और इनको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करवाता है, और किसकी हेल्प से करवाता है, DBMS सॉफ्टवेयर की हेल्प से करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है, दैट इज़ डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेजेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। तो जो DBMS है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेस मैकेनिज्म्स हैं जो वो प्रोवाइड करता है, लाइक क्वेरी लैंग्वेजेस, जिसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफैक्टो क्वेरी लैंग्वेज की हम बात करते हैं, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, कुछ लोग इसे SQL से भी प्रोनाउंस करते हैं। तो SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। तो इस ये बेसिकली क्या है, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो DBMS वेंडर्स हैं, अलग अलग तरह के DBMS हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो डाटा मॉडल है वो कौन सा यूज़ किया हुआ है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट DBMS वेंडर्स क्या करते हैं, जो SQL या SQL जो लैंग्वेज है उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ईच एंड एवरी DBMS है जो प्रोवाइड करता है इसके लिए सपोर्ट। तो SQL बेसिकली क्या है कि इसकी हेल्प से हमारे जो यूज़र्स हैं वो अपनी रिक्वेस्ट बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, कैसे वो मिलेगा उस चीज़ से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी फंक्शनैलिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि इट प्रोवाइड्स डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, ताकि हमारा जो यूज़र है वो क्या कर सके, कन्वीनियंटली हमारे डेटाबेस को अपनी जो रिक्वेस्ट हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए यूज़ कर सके, ठीक है। और नेक्स्ट फंक्शन है डेटाबेस कम्युनिकेशन इंटरफेसेस। तो जो DBMS है वो हमें डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन इंटरफेसेस भी प्रोवाइड करता है, किसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर भी क्या है, पहले हमारे क्या है, सिंपल करेक्टर बेस्ड हमारे इंटरफेसेस यूज़ हो जाते थे, बट अभी क्या है, आज के टाइम में क्या है, हमारे जो एंड यूज़र्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क एनवायरनमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस हो गए अलग अलग तरह के, तो उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हमारे डेटाबेस को मोर कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो इंटरफेसेस प्रोवाइड करना भी किसका काम है, DBMS का काम है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजेक्शन से आप क्या समझते हैं कि कोई भी लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क हम क्या कह देते हैं, ट्रांजेक्शन कह देते हैं। लाइक हमने बैंक के ट्रांसफ़र की बात की, अमाउंट ट्रांसफ़र की बात की, तो अमाउंट ट्रांसफ़र क्या है, एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन कैसे होगी कंप्लीट, किसी अकाउंट से डेबिट होगा और करस्पॉन्डिंग दूसरे अकाउंट में क्या है, क्रेडिट होगा। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों मिलाकर एक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसे हमने क्या कह दिया, ट्रांजेक्शन कह दिया। तो DBMS का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट भी है, जो कि अल्टीमेटली हमारे जो डेटाबेस की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए भी ज़रूरी है। तो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ेंगे एसिड प्रॉपर्टीज़। तो जो हमारा DBMS का मॉड्यूल है ट्रांजेक्शन मैनेजर, वो क्या कर रहा है, बेसिकली इन एसिड प्रॉपर्टीज़ को इंश्योर करवाता है, ताकि जो हमारा डेटाबेस है वो क्या है, कंसिस्टेंट स्टेट में रहे, उसकी इंटीग्रिटी है जो वो इंश्योर्ड रहे, और हमारा जो डेटाबेस है वो यूज़ेबल रहे। तो इन फंक्शंस की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो DBMS है हमें एक कन्वीनियंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ यूजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटाबेस इन पर्टिकुलर डोमेन। दिस इज़ ऑल अबाउट DBMS फंक्शंस। थैंक यू वेरी मच।